अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा दूसरा या तीसरा रिएक्शन है कोक स्टूडियो इंडिया पर, और इस दफ़ा गाना है आई थिंक दिस इज़ लाडकी, और इट माइट बी लादकी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। मैंने ये गाना क्योंकि देखा नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर विच लैंग्वेज दिस इज़ इन, बट आई रेड सम ऑफ द कॉमेंट्स एंड आई गेट द फीलिंग इट्स इन बंगाली, विच एज आई एम ए पोठवारी पंजाबी पाकिस्तानी, आई डोंट अंडरस्टैंड इवन लिटिल बिट ऑफ बंगाली। तो बट जो भी है, हिंदी में, बंगाली में, पंजाबी में, जिसमें भी, म्यूज़िक तो म्यूज़िक होता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, सारों को समझ आना चाहिए। तो आए रिएक्शन देते हैं इस पर, अच्छा लग रहा है अभी तो। Before I start the video, guys, I want to say please subscribe to the channel, and if you want to see something else, something other than any reaction, if you want to see a vlog, anything, just let me know. Comments भी लिख दें, मैं comments पढ़ता भी हूँ, reply भी करता हूँ। तो इस छोटा सा वो disclaimer type कि if anyone's wondering कि मैंने क्यों तीन probably तीन videos में एक ही शर्ट पहनी हुई है, वो उसकी वजह यह कि मैं एक ही रात में मुझे जुनून चढ़ा और मैंने बैठ के तीन चार वीडियोस बना दी। तो विदाउट फर्दर एडू, क्योंकि गाना लंबा है, आए देखते हैं साथ। तो दिस इज लाद की और लाड की बाय सचिन जिगर, तनिष्का एस कीर्तिदन जी रेखा बी। I'm sorry, I know I butchered those names. चले, here we go. Coke Studio at MTV, आपकी Lyrics by Priya something. डोरी ये खींची डोरी पलने की तूने मोरी मेरे सपनों को I wasn't expecting a child. Pleasantly surprised. भले बगिया तेरी छोड़ी भले निंदिया तेरी My heart. Sounds like Hindi. तेरी लाड़की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ तेरी लाड़की मैं तेरी लाड़की मैं तेरी लाड़की मैं छोड़ूंगी ना तेरा हाथ Like the drummer.
क्या ये माँ बेटी हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर तो है तो बहुत प्यारा।
अच्छा, दो तीन पॉइंट्स ऑफ कंफ्यूजन प्लीज कमेंट्स में, जैसे भी जो भी अभी हूँ खुदी से या प्रीत जुड़ी है तुझी से बनड़ो डॉट है ग्रह, तो हैज द चेरी ऑन द टॉप. द ब्रिलियंट सॉन्ग, ब्रिलियंटली संग, बहुत खूबसूरत आवाज़ तीनों की, ब्रिलियंटली कंपोज्ड. और वो जो बची थी, वो जो सिंगर, चाइल्ड सिंगर, वॉजन एक्सपेक्टिंग हर टू बी ऑनेस्ट, दैट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज. ओवरऑल बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है आपको भी ये रिएक्शन देखने में मज़ा आया होगा. और अगर कोई और गाने हैं कोक स्टूडियो इंडिया के, पाकिस्तान के, जिसके भी, मुझे बताइए, मैं रिएक्ट करूँगा. कमेंट्स में लिखते हैं तो जस्ट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन.